बढ़ती हुई डकैती की वारदातों ने ताजरों की नाक में दम कर दिया है और इंतजामिया के खिलाफ इसी हवाले से एहतजाज भी किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अहमद रजा से। अहमद रजा, बताइएगा डकैतियों का सिलसिला कब से जारी है और पुलिस ने अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया? जो वहां की सूरत हाल ताजर बरादरी की नजर में इंतहाई खराब है। अब्दुल हकीम शहर में तीन बड़ी डकैतियां सिर्फ चार पांच रोज के दौरान हुई। पुलिस ने सिर्फ इनके मुकदमात दर्ज करने की जो फॉर्मेलिटी पूरी की, लेकिन किसी भी जो वारदात उसको ट्रेस करना उन्होंने गवारा ना समझा। इस पर ताजर बरादरी में शदीद गुस्सा पाया जाता था। पूरा अब्दुल हकीम शहर जो सिटी है उन्होंने ये बंद कर दिया, शटर डाउन किया, और ना सिर्फ शटर डाउन किया, एहतजाज के साथ साथ उन्होंने जगह जगह कैंप लगाकर पंजाब हुकूमत को इस बात की जो है वो निशानी कराने की कोशिश की कि हम पंजाब हुकूमत के साथ हैं, लेकिन ये जो अब्दुल हकीम ने मनोमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल इसका नोटिस लिया जाए। इसके साथ साथ जो फैसलाबाद को जाने वाली सड़क और मियां चन्नू को जाने वाली सड़क, यहाँ पर भी रोड ब्लॉक कर दिए गए, जिससे तकरीबन 8 से 9 घंटे के तक जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक रही। यहाँ पर जो डीपीओ खाने वाले उनके जो नुमाइंदों ने अगर मुजाकरात की ताजर बरादरी, लेकिन वो किसी सूरत भी इस एहतजाज से दूर हटने के लिए तैयार नहीं है। मुजाकरात भी किए गए लेकिन नाकाम हो गए। अहमद रजा, अपडेट्स के लिए शुक्रिया।